अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वकार क्रिकेट शो। पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर साबिक कप्तान सलमान बट को हेड कोच का ओहदा मिल गया है। किस टीम के हेड कोच मुकर्रर हुए हैं सलमान बट, आप सोचकर हैरान होंगे। और इसके अलावा छोटी सी उम्र में वो हेड कोच मुकर्रर हुए हैं, तो छोटी सी उम्र उनकी इस वजह से, हालांकि क्रिकेट के अगर यानी उनके खेलने के लिए तो एज ज़्यादा थी, 37 ईयर उनकी एज है, और उसके बाद वो हेड कोच मुकर्रर हो गए हैं। सिंगापुर की टीम के वो हेड कोच मुकर्रर हो गए हैं। जी हाँ, सिंगापुर के वो हेड कोच तो मुकर्रर हो गए हैं, लेकिन अब वो टीम को किस तरह जो है वो तैयार करते हैं उनके पास, हालांकि टीम तो एक टीम ही होती है, छोटी टीम ज़रूर है, लेकिन उनका जो वर्क है वो नज़र आएगा, किस तरह वो टीम के साथ वर्क करते हैं। इनका कैरियर जो था वो मुकम्मल सुर्खियों में रहा था स्पॉट फिक्सिंग के बाद, इन्होंने टीम में वापस कम बैक करना भी चाहा तो, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनकी तरफ पलट कर नहीं देखा। उसके बाद फिर इनको PSL 2018 में इनको मौका मिला था लाहौर कलंदर की जानब से। कोई दो तीन मैच इन्होंने खेले थे, लेकिन परफॉर्मेंस इतनी खास नहीं थी सलमान बट की, और उसके बाद फिर ये PSL से भी अलविदा हो गए। फिर कारोबारी खातों में ये पड़े रहे, और उसके बाद फिर अब ये सिंगापुर के हेड कोच मुकर्रर हो गए हैं सलमान बट। तो पाकिस्तानी जो फैंस है वो इनके लिए बेस्ट विशेज़ का इजहार कर रहे हैं कि कम अज़ कम जो हेड कोच के फ़राइज़ हैं वो अच्छे ये सर अंजाम देंगे। एक तो इनकी एज भी बड़ी फिट है, और यंग क्रिकेटर हैं सिंगापुर के, तो उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा सलमान बट से। अगर आपको अपडेट अच्छे लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब।